यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुई हिंसा मामले में फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस ने नोटिस लगा दिया है। एक महीने के अंदर अगर ये आरोपी खुद कोर्ट में सरेंडर नहीं करते तो पुलिस सभी आरोपियों की चल संपत्ति कुर्क कर लेगी। इसके साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी करते हुए इन्हें पकड़ने के लिए लोगों से मदद की अपील की है। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर के साथ अधिकारियों के नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी आदमी को कोई आरोपी दिखे तो वो तुरंत अधिकारी को फोन कर इनकी सूचना दे सके। पुलिस ने आरोपियों के बारे में बताने वाले की पहचान भी नहीं बताने की बात कही है। बुलंदशहर हिंसा मामले में पुलिस अब तक 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि 22 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद घटना से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि ये वीडियो चिंगरावती पुलिस चौकी के पास एक स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे का है जिसमें वहां मौजूद कई लोग जमकर बवाल करते दिखे। सामने आए वीडियो में एक आदमी पुलिस चौकी के बाहर लगे लोहे के बोर्ड को गिराने की कोशिश करता नजर आया। इसी बीच उसके कुछ दूसरे साथी भी वहां पहुंचे और सबने मिलकर बोर्ड को झुकाते हुए जमीन पर गिरा दिया जबकि एक दूसरा आदमी बोर्ड पर कूदकर उसे पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करने लगा। वहीं कुछ लोगों ने सड़क पर रखे बैरिकेड को भी नीचे गिरा दिया। इस बीच हाथों में डंडा लिए प्रदर्शनकारी किसी के पीछे भागते नजर आए जबकि उनके कुछ दूसरे साथी पुलिस चौकी के अंदर रखे एक LPG सिलेंडर को बाहर निकाल लाए और उसे दोबारा चौकी के भीतर फेंकने की कोशिश भी की। इस दौरान हंगामा कर रहे लोग लगातार चौकी पर पथराव करते रहे। वहीं पुलिस सामने आए वीडियो के जरिए बवाल करने वाले लोगों की पहचान करने में जुट गई। वहां 3 दिसंबर को गोरक्षकों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान एक पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दावा किया कि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता। चुनाव के दौरान कृषि कर्ज माफी को मुद्दा बनाए जाने पर RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे न केवल कृषि क्षेत्र में निवेश रुकता है बल्कि राज्यों के खजाने पर भी असर पड़ता है। यूपी के गोंडा में एक दुकान में घुसे कुछ लोगों पर 4 लोगों के साथ मारपीट के बाद रुपए लूटने का आरोप लगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची चीन की एक लड़की ने योग गुरु विमल पांडे के साथ शादी कर ली। बिहार के समस्तीपुर में 7 पढ़ने वाले एक लड़के से फोन पर बात करने से नाराज लड़की के भाई पर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा। ओडिशा के मयूरभंज में गांव में घुसे 100 से ज्यादा हाथियों के दल ने कई घरों को तोड़ दिया जबकि फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया। बिहार के सीवान में जमीन विवाद में हुई मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने डाक विभाग के ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च करते हुए इससे छोटे कारोबारियों को सहायता मिलने का दावा किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक सगाई समारोह के दौरान जश्न में हुई फायरिंग में एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मॉल में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कई इलाकों में बर्फीले तूफान आने की चेतावनी दी। लोगों को सलाह दी गई है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकला जाए क्योंकि तूफान के दौरान मौसम बहुत खराब हो सकता है जिसका असर अभी से दिखने लगा है। स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड के कई इलाकों में कई दिन से बर्फ गिर रही है। इस वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। क्रिसमस के लिए लगाई गई मूर्तियों और क्रिसमस ट्री पर भी बर्फ जम गई। इस बर्फबारी की वजह से कई इलाके पूरी तरह से वीरान दिखने लगे हैं। कुछ इलाकों में बर्फ के साथ हल्की बारिश भी हो रही है जिससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। लेकिन ब्रिटेन के मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके हिसाब से अगले कुछ दिन में मौसम के हालात और खराब होने वाले हैं। मौसम विभाग का दावा है कि ब्रिटेन में ये बर्फीला तूफान शनिवार को दस्तक देगा। इससे पहले ही वहां कुछ इलाकों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आशंका है कि तूफान के दौरान वहां करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलेंगी। इस दौरान सड़कों पर 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मोटी बर्फ की परत जम सकती है। लेकिन बर्फ की आफत का कहर झेलने वाला ब्रिटेन अकेला देश नहीं है। पिछले हफ्ते तक अमेरिका के भी कई हिस्सों में बर्फबारी की वजह से जिंदगी ठहर सी गई। वहां नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में बर्फबारी की वजह से बहुत से हादसे भी हुए हैं। और ये हालात सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही नहीं है, पश्चिम एशिया के कई इलाके भी बर्फबारी से परेशान हैं, जिनमें इराक और ईरान के कुछ इलाकों में बर्फबारी का जबरदस्त असर दिखा, जिसकी एक तस्वीर ईरान के चहर महल से भी आई। वहां करीब 1 महीने से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है।
शहर कई दिनों से बर्फ से ढका है, इस वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गईं। درست این چند سال بی سابقه بوده ولی اینکه خیلی قشنگه. باعث شده که حالا یه مقدار خود ترافیک و حجم ترافیک بیشتر بشه ولی خوبیش اینه که آلودگی هوا را از بین. چهارمحل جیسا ہی حال ایران کے بختیاری پرانت کا بھی ہے. وہاں سڑکیں ہی نہیں بلکہ اونچے اونچے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے ہیں. ایران کی طرح ہی عراق کے بھی کچھ علاقے برفباری سے بے حال ہیں. न्यूज 18 को दिए खास इंटरव्यू में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दावा किया कि अभी सेना महिलाओं को लड़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं है. आर्मी चीफ ने दावा किया कि महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होती हैं, इसलिए उन्हें सीधा सामने की लड़ाई में नहीं भेजा जा सकता. गुड सोर्सेज मैं कहूंगी विमेन विल मेक वेरी गुड सोल्जर्स एज वेल, बट फौज अपना दिल ही नहीं खोल रही महिलाओं के लिए. आई थिंक व्हाट अ मिसनोमर. You know, every time I've said military police doesn't count. नहीं, officer की पहले बात करो. Combat roles में बताइए. Combat role में ऐसा है, there are women officers and engineers. There are women officers in army and defence. नहीं, non-combat नहीं. They are doing demining, they are doing mining operations, they are doing bridging. Engineers का task ये होता है. They are doing good. In air defence, they are manning things. They are manning our weapon systems. But they remain the death. We have not put women yet in frontline combat. अभी आपको बताता हूँ. Today, where is the frontline combat? Today, the frontline combat where the army is involved is proxy war. उस ऑपरेशन में जाके you have to deal with the terrorists. अब जब आप टेरर से डील करते हैं तो फायर फाइट होता है. जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है. सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में हिज्ब कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है. औरंगजेब की हत्या में शामिल हिज्ब कमांडर जहूर ठोकर को भी मुठभेड़ में मार गिराया गया है. वहीं मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है.